पिछले कई सालों में एक नए सिख देश की मांग उठती जा रही है। इसके अंदर अभी कुछ हफ्ते पहले एक अमेरिकी अफसर जिसका नाम बॉब आर्थर है, उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें वह तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए और न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए अमेरिका और यूरोप को एक अलग सिख देश बनाने की बात लिखता है। बॉब आर्थर लिखता है कि सिखों के साथ बहुत अन्याय हुआ, यदि महाराजा रणजीत सिंह जिंदा होता तो आज वह पंजाब को एक बड़ा देश बनाकर पूरे यूरोप के अंदर राज करता, पंजाब को एक बड़ी राजधानी बनाता, जिसके बाद वो यूरोप के एक एक देश के ऊपर हमला करके हर देश को जीत लेता। परंतु पहले महाराजा रणजीत सिंह को धोखे के साथ हराया गया, सिखों को मार्शल कॉम के कारण इनको पहले विश्व युद्ध के अंदर शामिल किया गया, फिर इनको दूसरे विश्व युद्ध के अंदर शामिल करके इन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पेश किया, ताकत और अपनी अलग पहचान का लोहा मनवाया। इतना ही नहीं, भारत की आजादी में अहम योगदान के बाद भी पंजाब कई हिस्सों में बट गया। पहले इसको दो हिस्सों के अंदर बांटा गया, फिर दूसरे हिस्से के भी तीन टुकड़े कर दिए गए और 1947 के बंटवारे के समय मुसलमानों की एक अलग इस्लामिक देश बनाने की मांग जोर पकड़ गई, उनका देश बन गया। परंतु सिखों के बलिदान के बावजूद भी इनके लीडर सही फैसला नहीं कर पाए थे, पर जब सिखों की बारी आई तो नेहरू ने इन्हें अपने साथ मिला लिया। पर कुछ सालों के बाद ही इन्होंने अपने अलग देश की मांग की, जब इनके ऊपर काफी सारे अत्याचार होने शुरू हो गए, भारतीय स्टेट के द्वारा इनके खिलाफ कानून बनाए गए। 1955 में इनका कतलेआम शुरू हुआ जो 1984 तक बहुत स्पीड से बढ़ता गया। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत होती है तो उस समय सिखों का जेनोसाइड बड़े लेवल के ऊपर किया गया। उस समय भारत के अंदर केजीबी एक्टिव थी, उसने खालिस्तान की मांग को और भड़काया, पर उसके साथ ही भारत देश में करीब 1,00,000 से ज्यादा नौजवानों और सिखों को आतंकवादी बताकर मार डाला गया। इसके बाद से सिखों को एक के बाद एक तरीके से दबाया गया। सिख एक शांत किस्म के लोग हैं जो आज भी हिंदू और मुसलमानों के साथ मिलकर रहते हैं और कभी भी बिना बात के लड़ाई नहीं करते। सिख एक मार्शल कौम है जो पगड़ी पहनती है और दाढ़ी केस रखती है। परंतु पिछले कुछ समय में जैसे कनाडा के अंदर हरदीप निज्जर को मरवाना, परंतु उसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के ऊपर इल्जाम लगाकर यह साबित हो चुका था कि इंडियन एजेंसी ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति बिगाड़ी थी। जिस तरह भारत एक तरफ से चीन के साथ मिलकर रशिया को मजबूत बना रहा है, वहीं यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। यदि इसी तरह आगे से आगे चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया युद्ध कर रही होगी, जब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका होगा और न्यूक्लियर हमले की तैयारी में सारे देश लगे होंगे। जैसे जैसे अमेरिका का प्रभुत्व कमजोर हो रहा है, वैसे वैसे भारत, चीन, रूस, अरब जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था के कारण ताकतवर हो रहे हैं। यदि सिख देश बनेगा तो उन सभी के ऊपर रोक लग सकती है और विश्व शांति कायम भी रहेगी। एशिया से लेकर यूरेशिया तक सभी जगह शांति कायम करने में मदद मिलेगी, परंतु इन सभी को एक नया सिख देश बनाकर ही रोका जा सकता है। असल में अमेरिका यही चाहता है कि वह सिखों को उपयोग करे और एशिया में अपनी पकड़ बढ़ाए, लेकिन सिख लीडर लोगों को तेज दिमाग से काम लेना पड़ेगा यदि वह ऐसा कोई निर्णय लेते हैं। एक बड़े देश की ताकत हमेशा बड़ी होती है। भारत सरकार को, भारत के लोगों को एकजुट होकर सिखों के हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। इसी तरह अमेरिका को हराया जा सकता है।